गुड इवनिंग दोस्तों, सबसे सर्वप्रथम मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं अनुभव चंद्रा, मैं UPSC UPFO क्वालिफायर हूँ। अभी मेरा इंटरव्यू बाकी है और UPSC UPFO से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपको कंटेंट चाहिए वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको किस टॉपिक में क्या प्रॉब्लम है। सर्वप्रथम हम समझेंगे कि सिलेबस क्या होता है। तो UPSC EPFO इसमें दो वैकेंसी आई हैं, EO और AO। EO मतलब इन्फोर्समेंट ऑफिसर और AO यानी अकाउंटिंग ऑफिसर। अब हम आपको बताएंगे इसका सिलेबस क्या होता है। किसी भी यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जाते हैं तो सर्वप्रथम आपको सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस किस प्रकार से प्रश्न को पूछा जाता है और प्रश्न किस तरीके से आते हैं, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप सर्वप्रथम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक हो सके आप शेयर कीजिए। मेरे प्रिय दोस्तों, आइए हम बताते हैं सिलेबस में आपको क्या पढ़ना होगा। जैसे कि इसमें होते हैं 120, टोटल 120 प्रश्न आएंगे और क्या क्या होता है। इंग्लिश होता है, मैथ होते हैं, रीजनिंग होते हैं और GS। ये चार टॉपिक से आपके टोटल 120 प्रश्न बनेंगे और आपको इन चारों टॉपिक में किसी पर प्रश्न पूछना है तो आप प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल GS विश वैभव चंद्रा को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर चाहिए। यदि GS की बात किया जाए तो काफ़ी ये ब्रॉड सिलेबस होता है GS में। इसमें आपका हिस्ट्री भी आएगा और साइंस आएंगे, सभी साइंस, बायो आएगा, केमिस्ट्री आएगा और फिजिक्स। इसके साथ साथ आपका जियोग्राफी रहेगा और अन्य जो विषय होते हैं सभी विषय आपको GS में आएंगे। तो इसमें काफ़ी लंबा होता है और मैथ और रीजनिंग ये आपको हम अच्छे टीचर आपको उपलब्ध कराएंगे। आप कमेंट करके बॉक्स में बताइए कि आपको किस टॉपिक को प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन के बाद किया जाए, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कौन कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। 30 क्वेश्चन आएगा इंग्लिश से, 30 मैथ से, 30 रीजनिंग से और 30 GS से। तो इन चारों को मिलाकर आपके 120 प्रश्न बनते हैं और आपको इन 20 में मैक्सिमम नंबर प्राप्त करना होता है, क्योंकि इस पर मेरिट तय की जाती है। इस पर मेरिट तय की जाती है। तो मेरा जो 2020 का वैकेंसी है उस वैकेंसी में 421 वैकेंसी है जिनमें इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंटिंग ऑफिसर के पद हैं। अब इसकी अभी तक तो जो मेरिट आई है दोस्तों, मेरिट भी क्लियर नहीं हुई है। अब मेरिट क्लियर होगा फाइनल रिजल्ट के बाद। जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उस पर इसकी मेरिट तय की जाएगी कि मेरिट कहाँ पर और किस रैंक पर जाती है। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, ESC और ST का जो मेरिट है वह 170 के आसपास जाएगा, OBC का जो मेरिट है 180 के लगभग जाएगा और जनरल का जो मेरिट है वह लगभग 185। ये मेरा अनुमान है कि जो ST का है, ESC और ST का जो PT का रिजल्ट है वह ESC और ST के लिए 170 और OBC के लिए 180 और OBC के लिए 185 मार्क्स। टोटल मार्क्स
आपका 300 का है। टोटल जो मार्क्स है यूपीएससी ईपीएफओ टोटल 300 मार्क्स के हैं, और इन 300 मार्क में आपका मेरिट हम बता दिए हैं, इस प्रकार से मिल जाएगा। तो डर साल दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर जो आपको नहीं समझ में आता है उस टॉपिक में मैं क्वेश्चन को बनाऊँगा और आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।